हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग जंक्शन। सो आज की वीडियो में आपको एक्सेल के अंदर काउंट फार्मूला के सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। काउंट फार्मूला सीरीज के अंदर टोटल 5 फार्मूलास आते हैं। नंबर 1 काउंट, नंबर 2 काउंट ए, नंबर 3 काउंट ब्लैंक, नंबर 4 काउंट इफ, एंड नंबर 5th एंड लास्ट काउंट इफ्स। इन फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इंटरव्यूअर ऑलवेज आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज के बारे में पूछता ही पूछता है। जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए फॉर्मूला। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर काउंट सीरीज फॉर्मूला के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है एग्जांपल के लिए, जिसके अंदर मैं आपको पहले काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक के बारे में बताऊंगा, देन मैं चलूंगा काउंट इफ और काउंट टिप्स के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा कंडीशनल बेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो काउंट और काउंटे का डिफरेंस क्या होता है, जो कि क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। काउंट क्या करता है, वो ऑलवेज काउंट करता है ओनली नंबर्स को। यहाँ पर देखो मेरे पास एक कॉलम है, कोड वाला कॉलम, इसके अंदर पहले मैं इस फॉर्मूला को लगा के देखता हूँ। जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट, ओके, फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला आ रहा है। जब आप टाइप बटन पे क्लिक करेंगे ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ रही है दो, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो अभी मैंने जस्ट सिंगल आर्गुमेंट देना है। सिंगल आर्गुमेंट के मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोड वाला कॉलम है इसको इंटायर सेलेक्ट करेंगे नीचे तक, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो मुझे काउंट मिला है वो 11 मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इसने क्या किया, ना ब्लैंक काउंट किया ना टेक्स्ट काउंट किया, इसने जस्ट जिस भी सेल के अंदर नंबर थे वो काउंट किया है। अब बात करते हैं काउंटे का। काउंटे क्या करता है, वो टेक्स्ट प्लस नंबर दोनों को काउंट करता है। कैसे देख लेते हैं, जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट, ओके, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला आया, टाइप बटन पे क्लिक करो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो जो सेकंड कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंटायर कॉलम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और कितने काउंट्स मिल गए मुझे, 13। क्यों मिल गए, यहाँ पर देखो टेक्स्ट भी है नंबर भी है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कितने हो गए, 12। अब देखो 12 इसलिए हो गए क्योंकि इस कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर जो एंट्रीज हैं टोटल वो 12 हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट भी है नंबर भी है। कोई एंट्री करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, कोई एंट्री कर लेते हैं 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक के बारे में। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है भाई साहब कि ये ब्लैंक को काउंट करता है। ओके, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, एंटर कर दूंगा, कितने काउंट आ गए, 8। अब 8 काउंट क्यों आए हैं, क्योंकि इस रिकॉर्ड वाले कॉलम के अंदर कितने ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये एंट्री है अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कितने काउंट हो गए, 9। इस पर कितने हो गए, 10। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा काउंट, काउंट एंड काउंट ब्लैंक, सिंपल सी बात है। काउंट क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। काउंट क्या करता है, नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक को काउंट करता है। क्लियर है, अब बात करते हैं काउंट इफ। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, क्योंकि काउंट के साथ इफ लग रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। अब देखो पक्का आपको यहाँ पे लग रहा होगी मैंने बहुत सुना था काउंट सीरीज के फॉर्मूला के बारे में, बट ये निकला तो कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक क्या है। रुको जरा, चलते हैं काउंट इफ के ऊपर जहाँ पर कंडीशन यूज होने वाली है, फिर चलेंगे काउंट इफ्स के ऊपर जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैंने एक डेटा लिया है, बेसिकली एक अटेंडेंस शीट है। यहाँ पर देखो इस टाइप वाले कॉलम में मेल और फीमेल्स हैं। यहाँ पर डे वाइज अटेंडेंस है, कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग बी कॉप पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होने वाली है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ जून को कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे, और कितने लोग वी कॉप पे थे मेल क्राइटेरिया के अंदर। इस कॉलम के अंदर देखो मेल्स हैं ना, तो मेल और फीमेल दोनों का हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा समीप के अंदर। अभी मैं जस्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं लेना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ जून को कितने लोग प्रेजेंट एब्सेंट और बीकॉप पे थे। सिंपली टाइप करो इज इक्वल टू काउंट इफ, ओके, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला आ रहा है, जस्ट टाइप बटन पे क्लिक करो सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द रेंज, तो रेंज क्या होने वाली है, फर्स्ट ऑफ जून वाला कॉलम, इसको मैंने इंटायर सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब देखो क्राइटेरिया आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप सेल का रेफरेंस दे दो, जो यहाँ पर आगे मैंने पी लिखा हुआ है ये देखो। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो कोटेशन मार्क के अंदर लिख दो, तो मैं जस्ट अभी सिंपली कोटेशन मार्क के अंदर लिखता हूँ पी, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो
यहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग प्रेजेंट थे, 7 लोग प्रेजेंट थे 1 जून को, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे तक इसको ड्रैग करूँ और अपसेंट बीकॉफ भी निकालूँ, तो एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब भी आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करोगे, वो वन डाउन सेल्स को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर देखो क्या किया, अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करता हूँ, जस्ट F2 टाइप करेंगे ओपन होगा, तो ये सिलेक्शन देखो नीचे से दे रहा है, यहाँ से लेके नीचे तक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपली यहाँ पर आओ, पहले इसको फ्रीज कर दो, क्योंकि ये हमारा जो कॉलम है, कॉलम की जो रेंज है वो तो फिक्स है, फ्रीज कर दो। अब इसको ड्रैग करो, अब देखो इसने सेम काउंट दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट का ही लगा है, तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इन्हें अपसेंड किया, काउंट चेंज हो गया ना, अब यहाँ पर करते हैं WO, चेंज हो गया। तो 1 जून को 7 लोग ऐसे थे जो प्रेजेंट थे, 3 लोग ऐसे थे जो अपसेंट थे, और 3 लोग ऐसे थे जो बी कॉफ पे थे। आई होप अभी आपको काउंट इफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मैंने एक अटेंडेंस शीट ली है, हो सकता है आपके पास कुछ अलग क्राइटेरिया हो, अलग डाटा हो, तो कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है। आपने जस्ट इस फॉर्मूला को रीड करो, बस सिलेक्शन देनी है रेंज की और क्राइटेरिया लगाना है, देना ओके। अब बात करते हैं काउंट टिप्स का, जो इन सबका बाप है। अब देखो काउंट टिप्स आ गया, इसका मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया का क्या सीन होता है, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है ना, एक डेटा लिया है, डेटा के अंदर सेगमेंट है, कंट्री है और प्रोडक्ट है। तो मैं 3 कंडीशन देने वाला हूँ, 3 क्राइटेरिया लगाने वाला हूँ कि सेगमेंट के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के साथ में कंट्री वाले कॉलम में जहाँ पर इंडिया है, और प्रोडक्ट मोंटाना है, वो मुझे बताओ कि कितने ऐसे कॉलम्स में एंट्री तीनों की एक साथ है, उसका काउंट चाहिए। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो एक सम फॉर्मूला बताया था, सम फॉर्मूला की पूरी सीरीज समझाइए, जिसके अंदर सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सब टोटल और सम इफ्स के बारे में बताया। मैंने यही डाटा प्रेजेंट किया वहाँ पे, और वहाँ पे आपको मैंने यही एग्जांपल दिया। वो वीडियो देखने के लिए यहाँ देखो आई बटन पे ना क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा वीडियो का, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपको सम फॉर्मूला की सीरीज की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको सम के सारे फॉर्मूलाज क्लियर कर दिए। अब आपको देखो कंडीशन पता लग गई है, किस कंडीशन के बेस पे मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लगानी है, ठीक है। जस्ट टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ओके, सेकंड नंबर फॉर्मूला सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला कौन सा होगा, सेगमेंट कॉलम, सेलेक्ट करेंगे इंटायर कॉलम को, कॉमा लगाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अब हम देने वाले हैं गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हो जो आपका क्राइटेरिया है, अदरवाइज आप उस सेल का रेफरेंस दे दो। लेकिन जब भी आप सेल का रेफरेंस देते हो ना, ध्यान रखना आपने उसको F4 करना है, सो दैट वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि आपका क्राइटेरिया सिंगल होने वाला है ना, मल्टीपल क्राइटेरिया होगा तो अलग अलग होगा। तो फ्रीज करने के लिए जस्ट F4 टाइप करेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखो आर्गुमेंट आ गया क्राइटेरिया रेंज 2, हमारा सेकंड कॉलम है कंट्री वाला, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो रेफरेंस देंगे वो हम देंगे इंडिया का, फिर F4 से फ्रीज करेंगे, अगेन कॉमा करेंगे, अब क्राइटेरिया रेंज 3 एंड क्राइटेरिया 3, आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स वाला कॉलम, यहाँ पर आएंगे, पूरा प्रोडक्ट्स का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैंने रेफरेंस दिया है वो है मोंटाना, इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर इसने 3 काउंट मुझे ला कर दिया है कि सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट, कंट्री के अंदर इंडिया, प्रोडक्ट के अंदर मोंटाना। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैच हो रही हैं उसके कितने काउंट हुए, 3 हुए। अब इसको देखो फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, जस्ट मैं फिल्टर लगाऊंगा, ओके। यहाँ पर हम पहले कॉलम में सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, सेकंड कॉलम में इंडिया, थर्ड कॉलम में मोंटाना, कितने काउंट आ रहे हैं आप देख सकते हो, 1, 2, 3, ठीक है। फिल्टर खोलेंगे, यहाँ फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा काउंट सीरीज के कितने फॉर्मूलाज हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ जस्ट एक ही एग्जांपल्स नहीं हो सकते, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब इसी टॉपिक पे मैं 1 या 2 वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, काउंट, काउंटे और ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। काउंटे का तो खासकर ये ऑफसेट के साथ यूज़ होता है, और भी फॉर्मूला उनके साथ यूज़ होता है, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिकली काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट टिप्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। लेकिन इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके अंदर काउंट, काउंटे मर्ज होता है,
उनको मिला के ना हम अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग कंडीशन लगा के डेटा को फेच करते हैं, डेटा के अंदर से काउंट करते हैं, हो सकता है हम वहाँ पर शो करते हैं, कई चीज़ें होती हैं। एक मैंने ना वीडियो बनाई है ऑटो फिल सीरियल नंबर, वहाँ पे मैंने ऑफसेट के साथ काउंट ए को लेकर वहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर कैसे एक्शन के अंदर फिल हो सकता है वो बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप आई वाले बटन पे क्लिक करो, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो को वॉच करो। मैं सच बता रहा हूँ आपको ना काउंट ए का जो अलग से यूज़ है वो पता लगेगा। देखो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑलवेज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जस्ट रेड वाली बटन पर क्लिक करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।